हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आप सब अच्छे होंगे, मज़े में हैं? ऑनलाइन क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी? अपना काम आप समय पे कर रहे होंगे? सभी सब्जेक्ट का काम आप अपनी कॉपीज़ पर जो भी जिस भी टीचर ने बताया है करते रहिएगा, आपको भी आराम रहेगी और जब स्कूल खुलेंगे तो टीचर को भी आराम रहेगी। दोनों ही लोगों के पास वर्क रहेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, सैटरडे हम लोगों ने जहाँ क्लास छोड़ी थी उसको हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। सैटरडे हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर पर्वत। तो आपको बताया था मैंने उत्पत्ति के आधार पर पर्वत तीन प्रकार के होते हैं, उनको तीन कैटेगरीज में रख सकते हैं। पहला हमारा वलित पर्वत था या मोड़दार पर्वत, जिसको कि हम पढ़ भी रहे थे, और सेकंड हमारा था भ्रंश या खंड पर्वत, थर्ड हमारा था ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है बच्चों, तो हम फर्स्ट वलित पर्वत से स्टार्ट किया था हमने। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, इनको हम मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, हमने आपको बताया था। और वलित पर्वत की जो हमने डेफिनेशन बताई थी वो थी कि पृथ्वी की जो आंतरिक हलचले हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जो होने वाली हलचले हैं, उनके कारण भूपटल पर यानी धरातल पर जो चट्टानें हैं, अगर उनमें कोई वलन क्रिया होती है और उससे जो आकृति निर्मित होती है उसको हम वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों, या मोड़दार कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने आपको एग्जाम्पल बताए थे, एशिया में हिमालय और यूराल पर्वत इसके उदाहरण हैं। ठीक, विश्व में सबसे अधिक पर्वत मोड़दार पर्वत हैं या हमारे वलित पर्वत हैं। और एक खास बात और बताई थी हमने आपको कि हमारे जितने भी महाद्वीप हैं उन सब में लगभग वलित पर्वत पाए जाते हैं। वलित पर्वत संसार के सबसे ऊंचे पर्वत हैं। ठीक है बच्चों, और इन पर्वतों का जो निर्माण है वो हमारी अवशादी शैलों से या परतदार शैलों से हुआ है। यहाँ तक हम लोगों ने उस दिन करा था। अब आइए, आज हम लोग उसमें थोड़ा सा छूटा था उसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट बात हम आज पढ़ते हैं, तो अगली हमारी बात है कि हमारे जो ये पर्वत हैं, वलित या मोड़दार पर्वत, इन पर्वतों में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये अवशादी या परतदार चट्टानों से बने हुए हैं। और जब हम अवशादी या परतदार चट्टानें आपको पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको वहाँ पर बताया था कि हमारी जो अवशादी या परतदार चट्टानें हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अगली बात इनकी क्या हो गई कि इन चट्टानों में जीवाश्म इन पाए जाते हैं, इन पर्वतों में ठीक है बच्चों जीवाश्म पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, बात आपको समझ में आ गई है ना, क्लियर हो गई है? क्योंकि ये औषधीय या परदार शैलों से बने होते हैं। फिर इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सबसे पहला आपके ही यहाँ हिमालय पर्वत है, जो कि जब औषधीय चट्टाने बता रहे थे तो हमने बताया था हिमालय पर्वत हमारा औषधीय या परदार चट्टानों से बना हुआ है। तो इनके मुख्य उदाहरण इनके मुख्य उदाहरण सबसे पहला आपका हिमालय पर्वत
उसके बाद में आपका यूराल, यूराल, आल्प्स और रॉकीज, एंडीज पर्वत, ये सब पर्वत हैं बेटा। हिमालय पर्वत, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, ये सब पर्वत हैं। और ये सब जो हैं अवसादी चट्टानों से बने हुए हैं, वलित पर्वतों के उदाहरण हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत मेन एक ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में है और बहुत बड़ा है, ठीक है। रेंज ये आपके हो गए इनके एग्जाम्पल। अब आपके लिए यहाँ पर छोटा सा एक होमवर्क है कि ये सारे पर्वत आप ढूंढ करके रखेंगे और उनको वर्ल्ड के मैप पर ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास मैप नहीं है तो एटलीस्ट आप इनको ढूंढ करके तो रखेंगे ही, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है, क्लियर है। बाकी सारा काम आपको कॉपी पर करना ही है, वो आप जैसे मैंने करके बताया उस तरीके से अपनी कॉपी पर करेंगे। और इस काम को आप अपने एक मैप लीजिएगा, उस पर एटलस से ढूंढिएगा, अदरवाइज पुरानी बुक में मिलेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें इसमें से मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिलती हैं कोशिश करिएगा ढूंढने की, और फिर बाकी जो नहीं मिलेगा उसके लिए तो हम हैं ही, हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर आपका खत्म हुआ वलित या मोरदार पर्वत। इसके बाद में सेकंड हमने आपको बताया था भ्रंश या खंड पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है खंड या भ्रंश पर्वत। खंड या भ्रंश पर्वत, ठीक है बच्चों, इसको हम ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसकी तरफ चलते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? खंड या भ्रंश से ही पता चल रहा है कि कुछ टूटा हुआ। खंड मीन्स टूटा, भ्रंश मीन्स भी टूटा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हमारे आकृतियां निर्मित हो रही हैं, ये पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण था, ठीक है। सभी जिन जो भी यहाँ पर निर्मित हो रहा है वो पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण निर्मित था, ठीक। पीछे वाला वलित पर्वत भी आपका उसी तरीके से था और ये भी आपका उसी तरीके से है। इसका भी कारण पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक हलचलें ही हैं। तो आपके ब्लॉक माउंटेन और वलित पर्वत में डिफरेंस इतना है कि ये डायग्राम देखिए, जैसे सपोज यहाँ पर वलित पर्वत में दोनों तरफ से फोर्स पड़ रहा था जिसके कारण ये चट्टान मुड़ गई थी इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये हुआ था हमारा वलित या मोड़दार पर्वत। अब भ्रंश पर्वत में है कि इस चट्टान में किसी भी तरीके से बाहर को दबाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, जिसके कारण ये टूट जाएगी बीच में से और दो खंडों में विभाजित हो जाएगी, चिटकेगी, चिटक करके अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाएगी, ठीक है। ये डिफरेंस है भ्रंश और वलित में। वलित का मतलब मुड़ना था, इसका मतलब टूटना है, ठीक। तो अब जब हमारी पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण, अंदर होने वाली हलचलों की क्रियाओं के कारण अगर पृथ्वी का कोई भाग चटकता है या उसमें दरार पड़ती है,
तो उस दरार पड़ने के कारण इन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। इन पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलों के कारण किसी वजह से चट्टानों में धरातल की अगर कहीं किसी भाग में कोई दरार पड़ती है या कोई विशालकाय चट्टान या खंड टूटता है, तो उस टूटने या उसमें भ्रंश होने के कारण या दरार होने के कारण इन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? जैसे सपोज करिए यही आपका था, ये दो भागों में टूटा, एक भाग ऐसे हुआ और दूसरा भाग टूट करके इस तरीके से हो गया। ठीक, अब बाकी बात अभी हम आगे और बताते हैं आपको। सबसे पहले आइए हम इसको लिखें कि पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, आंतरिक हलचलों के कारण धरातल के, ठीक है बच्चों, हलचलों के कारण अगर धरातल के किसी भाग किसी भाग में दरार किसी भाग में दरार पड़ने पर या किसी विशालकाय या किसी विशालकाय चट्टानी खंडों ठीक है में भ्रंश, खंडों में भ्रंश मीन्स टूटना फूटना या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है, से इनका निर्माण होता है। बच्चों, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग में दरार पड़ने या किसी विशाल चट्टानी खंड के टूटने या भ्रंश होने या दरार पड़ने के कारण इनका निर्माण होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे सपोज करिए ये आपकी चट्टान है, इस पे इधर को बाहर को प्रेशर पड़ा, इस पे इधर को पड़ा और ये टूट गई। ठीक है, टूटने के कारण क्या हुआ? ये हिस्सा और ये हिस्सा तो अपनी जगह पर ही रह गया, समझे बच्चों? और जो बीच का हिस्सा था वो टूटा और नीचे को खिसक गया इस तरीके से, समझ गए? आप कोई भी चीज, आप जैसे सपोज करो आपने मिट्टी का ही कोई, आपके पास खिलौना है या कांच की कोई प्लेट है, अगर वो टूट जाती है तो बीच से दो भागों में टूटती है, एक भाग चिटक के कहीं गिरता है, एक भाग चिटक करके कहीं गिरता है। ठीक है ना, प्लेट टूटती है तो अपनी जगह पर नहीं रहती, कुछ हिस्सा कहीं जाता है कुछ हिस्सा कहीं जाता है, दोनों हिस्से या तीन हिस्से जो भी हिस्सों में वो टूटती है अलग अलग जा करके गिरते हैं।
तो इसी तरीके से ये जो चट्टान है पूरी की पूरी यहाँ पर, इसमें दबाव प्रेशर पड़ा, खिंचाव पड़ा, तनाव हुआ, उसके कारण ये क्या हुई, टूटी। बाहर को खिंचाव के कारण क्या हुई, टूटी, यहाँ से चिटकी और चिटक करके ये दोनों हिस्से बाहर को खींचे और बीच वाला जो हिस्सा था वो नीचे को खिसक गया। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो ये जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, ये दो पाँव, ये वाले ऊपर उठे हुए भाग। ठीक, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चट्टान है आपकी, ये बीच का भाग नीचे ना धस करके क्या हो कि बाहर को दबा खिंचाव या तनाव पड़ने के कारण बीच का हिस्सा तो अपनी जगह ही रह जाए, लेकिन जो बाहर के हिस्से हैं वो धस जाए। दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, उसमें इस तरीके से ये देखिए, बीच का हिस्सा तो अपनी जगह ही रह गया, लेकिन ये हिस्से नीचे को धस गए जो ये वाले थे। यहाँ पर क्या था, ये हिस्से तो अपनी जगह थे और बीच का हिस्सा धसा था हमारा, और यहाँ पर क्या हुआ, ये हिस्से अपनी जगह पर ही रह गए और बाहर वाले हिस्से हमारे नीचे को चले गए। ठीक है, अब ये जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, ये वाला, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, देखिए, और ये वाला। ठीक है, ये वाले जो भाग हैं ऊपर उठे हुए भाग, ये हमारे क्या कहलाते हैं, भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत, ठीक है बच्चों। अभी मैंने बताया हलचलों के कारण किसी विशालकाय चट्टान के खंडों में दरार पड़ जाए और उससे इन पर्वतों का निर्माण होता है, तो उन्हें हम भ्रंश पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला हिस्सा भ्रंश पर्वत है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? जो ऊपर उठे हुए भाग हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे, भ्रंश पर्वत। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसमें एक साथ दो आकृतियां बनती हैं, एक भ्रंश पर्वत बनता है और बाद में ये जो नीचे अंदर चला गया वाला भाग है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये जो हमारा अंदर को धस गया है ये वाला भाग हमारा, ये हमारा कहलाता है भ्रंश घाटी। क्या कहलाता है बच्चों, भ्रंश घाटी, उठा हुआ भाग भ्रंश पर्वत और नीचे को धसा हुआ भाग भ्रंश घाटी, ये देखिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया ना? तो ऊपर उठा हुआ हमारा जो भाग है, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण दरार पड़ने से जो भाग बना है और जो ऊपर को उठा हुआ रह गया है, वो हमारा क्या कहलाता है, भ्रंश पर्वत, और जो नीचे को अंदर को धस गया भाग है हमारा, उसी आंतरिक हलचल के कारण उसी के साथ बना हुआ जो नीचे का भाग है वो हमारा क्या कहलाता है, भ्रंश घाटी कहलाता है। तो अभी हमने दो चीजें पढ़ी, एक भ्रंश पर्वत और एक भ्रंश घाटी। ठीक है बच्चों, वलित पर्वत और भ्रंश घाटी में और भ्रंश पर्वत में, सभी में आंतरिक हलचलों का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है और उसी के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक बच्चों, तो ये देखिए, ये हमारे ऊपर उठे हुए धागे, मैं इसको अलग से एक बार और आपके लिए बना देती हूँ। इस तरीके से जो उठे हुए हमारे भाग हैं, ये हमारे कहलाएंगे पर्वत, भ्रंश पर्वत। ठीक है, ये डायग्राम आप साथ में बना लेंगे अपनी कॉपी पर, जहां पर इसको करेंगे, जिससे कि आपको याद रहेगा। और ये नीचे धंसा हुआ जो भाग है ये वाला, ये हमारा कहलाएगा
भ्रंश घाटी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।